सो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी 3 के बारे में। सो बेसिकली गाइस मैं इसको 4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे मोबाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, लेकिन कुछ कुछ इसमें प्रॉब्लम लगी है जो मेजर प्रॉब्लम है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे वही मेजर प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ रियलमी 3 के बारे में। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है शाकिब, आप देख रहे हैं techoop.com और स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के साथ। सो गाइज अगर बात करते हैं अपने पहले प्रॉब्लम की, तो ये पहला प्रॉब्लम है इसका डिस्प्ले। गाइज इसमें रियलमी ने इसमें कॉस्ट कटिंग किया है और इसमें दिया आपको HD+ का पैनल। वैसे तो HD+ का पैनल इसमें उतना भी ख़राब नहीं है, मतलब यूज़र इंटरफेस में, लेकिन गेमिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इन सेंस कि अगर मैं अभी आपको रियलमी U1 यूज़ कर रहा था जिसमें आपको फुल HD+ डिस्प्ले है और इसमें आपको HD+ का डिस्प्ले, और मुझे जो नोटिसेबल डिफरेंस वो आराम से दिख जा रही है। और HD+ का जो पैनल है इसमें 9000 रुपये के हिसाब से थोड़ा सा मुझे इसका एक कॉन लगा है। और इसमें आपको रियलमी को आराम से फुल HD+ की डिस्प्ले देनी चाहिए थी, क्योंकि ये आपको रियलमी 2 का सक्सेसर है और रियलमी 2 में भी आपको सेम डिस्प्ले मिलती है। सो डिस्प्ले में इम्प्रूवमेंट ज़रूरी थी और मुझे लगता है कि डिस्प्ले इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि कहीं कहीं फैक्टर बन सकता है माइंड चेंज में कस्टमर के। सो वो चीज़ तो आपको नोटिस करनी पड़ेगी। गाइज अगर बात करते हैं इसके दूसरे प्रॉब्लम की, तो वो है इसका वाइड वाइन L1 का सपोर्ट। गाइज ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग साइट जो है उसमें आपको HD+ का कंटेंट आप नहीं देख सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, ये यहाँ पे आपको HD+ का कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा। और वाइड वाइन L1 का सपोर्ट 9000 रुपये के हिसाब से मेरे ख्याल से होना चाहिए था, क्योंकि आपको इसका जो डिस्प्ले आपको 6.2 इंच की डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वाइड आपको इसका जो व्यूइंग एंगल भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो कि रियलमी ने नहीं दिया है। और आई होप गाइस कि आपको रियलमी इसमें OTA अपडेट के थ्रू वाइड वाइन L1 का सपोर्ट दे देगा, जैसे कि आपको Poco F1 में आया था। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और मुझे को लगता है कि बहुत सारे लोग जो भी एंटरटेनमेंट बेस्ड फ़ोन चाहते हैं अपने बजट कैटेगरी के हिसाब से, वो आराम से इसको मोबाइल को ले सकते हैं। सो वाइड वाइन L1 सपोर्ट का जो कौन मुझे को थोड़ा सा लगा प्रॉब्लम इसमें। और गाइस अगर बात करते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम की, तो इसमें आपको रियलमी 3 में EIS का सपोर्ट नहीं है। EIS होता है आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसमें आपको वीडियो की बनाते थ्रू स्टेबलाइज हो जाती है अपने आप वीडियो, और आपको काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि आपको व्लॉग बनाते हुए काफ़ी अच्छी फुटेज देखने को मिलती है और स्टेबलाइज रहती है। Xiaomi के काफ़ी सारे फ़ोन में आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपको रियलमी 3 में ये चीज़ नहीं है, और ये चीज़ भी आपको OTA अपडेट के थ्रू आ सकती है। और गाइस ये जो EIS वाला सपोर्ट है आपको आराम से OTA अपडेट के थ्रू आ सकता है, काफ़ी अच्छा है। इसका जो रियर कैमरा 13+2 मेगापिक्सल का काफ़ी अच्छा कैमरा है और वीडियो क्वालिटी भी सही से आ जाती है, और आपको यहाँ पे 1.8 का अपर्चर के साथ काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से 13+2 जो सेंसर उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। सो AI का सपोर्ट अगर आ जाता है तो इसका कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और प्लीज़ इसको दे दो अगर हो सके तो। और अगर बात करते हैं अपने चौथे प्रॉब्लम की, तो वो है इसकी ड्यूरेबिलिटी। इसमें हमको सामने की तरफ जो रियलमी ने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन गाइज ये जो लगता है मुझको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन दी हुई है, जो कि प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अगर गिरता है तो मोबाइल तो शटर हो सकता है, टूट सकता है, जो कि यहाँ पर भी एक कौन मुझे लगा रियलमी को यहाँ पर आराम से प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी। और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन तो शायद चल सकती थी, क्योंकि 5 गोरिल्ला ग्लास जो बहुत पुराना हो गया और सस्ता भी हो गया, सो यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग मुझको लगती है। एटलीस्ट अगर HD पैनल था तो गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोडक्शन दे सकते थे। तो यहाँ पे प्रोडक्शन के हिसाब से भी मोबाइल बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्टेबल नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन गाइस ये जो प्रॉब्लम है आराम से सॉल्व हो सकती है। टेम्पर ग्लास लगा के 50 रुपये का टेम्पर ग्लास लगवा लेना और सॉल्व हो जाएगी। और गाइस अगर बात करते हैं अपने लास्ट कौन की, तो ये है इसका फास्ट चार्जिंग का इशू। गाइस इसमें जो बैटरी मिलती है आपको 4230 mAh की बहुत मैसिव बैटरी है, और HD पैनल के हिसाब से जो बैटरी कंजप्शन वो बहुत कम होता है, और इसमें आराम से 1.5 दिन चल जाता है बैटरी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी गाइस इसमें मुझे लगता है कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए था। अगर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होता ना गाइस, तो ये मोबाइल बहुत कमाल का बन जाता, और मेरे ख्याल से फास्ट चार्जिंग जो वूक वाला जो फास्ट चार्जिंग जो ओप्पो यूज़ करता है, ओप्पो के साथ आपको R&D टीम साथ काम करती है रियलमी के भी, तो वूक चार्जिंग का सपोर्ट अगर इसमें मिल जाता तो बहुत कमाल की बात हो जाती है। और गाइस कोई भी कंपनी अगर इतना मैसिव बैटरी देती है, जैसे कि आसूस भी देती है, तो फास्ट चार्जिंग जरूर देना चाहिए, और आसूस नहीं देता है और ये इसने भी नहीं दिया है। सो गाइस ये थे 5 मेजर प्रॉब्लम जो रियलमी 3 में आपको देखने को मिलते हैं। कुछ प्रॉब्लम आपको OTA अपडेट थ्रू सॉल्व हो सकता है, और कुछ इसमें आपको ज़िंदगी भर रहने वाला है। सो ये था रियलमी 3 का वीडियो। अगर आप इन सभी जो कौन है अगर आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हो, आप इसको नेवर माइंड कर सकते हो, सो आप मोबाइल को ले सकते हो। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था। रियलमी 3 का 5 मेजर प्रॉब्लम इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक कर दो। रियलमी 3 का वो गिव अवे चलो, उसको पार्टिसिपेट कर लेना, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।